हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और आज मैं आपको जो प्लांट दिखा रही हूँ, ये भी एक कीड़े ने खा लिया था और पूरा का पूरा खत्म हो चुका था, लेकिन अभी देखिए ये पूरे जो प्लांट है फिर से ग्रो हो गए हैं। तो इनके जो लीव्स हैं वो सारे के सारे खा लिए थे, और यहाँ पे अभी भी कुछ भी अभी है जैसे ये इस तरह के हैं। तो पूरे यहाँ तक खत्म हो चुका था ये प्लांट। मुझे लगा, मुझे था कि हाँ ये ग्रो हो जाएगा, और मैंने दूसरी जगह पे भी इसके एक दो जो प्लांट है निकाल के लगा लिए थे। तो अभी मैंने इसको जो है कहीं और लगाया नहीं है, कहीं बाहर। तो रोज मैं सोचती हूँ कि इसके प्लांट ले जाऊं, उस तरफ जाते रोज हैं, लेकिन लेके मैं जाना भूल जाती हूँ जिस टाइम जाना होता है। और मैंने जब पहले इसके सीड्स लगाए थे, तब मैंने उसमें से जितने भी प्लांट बने थे पंजाब जाने से पहले, उसमें से काफी सारे कुछ प्लांट्स मैंने अपने नीचे फ्रेंड को दे दिए थे। और उसके बाद उन प्लांट्स में से अभी फूल भी आने लगे हैं। तो आज भी मैं देखने गई थी तो काफी ज्यादा उस पर फूल आए हुए हैं। तो उन्होंने पॉट में लगाए हुए हैं, मैंने भी पॉट में ही लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी काफी बढ़ गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, तो फूल भी निकल रहे हैं। तो अभी शायद इसको जो है लगाना सही होगा जमीन में। और अभी ये जो है फूल बारिश में है, मतलब कि पूरी बारिश इन पे पड़ती है जब भी होती है। तो ये सीड्स हैं, तो कहीं से मुझे ये मिले थे और फिर मैंने सीड्स तैयार किए थे उस प्लांट से। एक ही प्लांट से बहुत सारे सीड्स इसके बन जाते हैं। और फिर मैंने इसको ग्रो किया था, उस टाइम तो नहीं हुए थे, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर अपने आप ये ग्रो हो गए थे। तो बहुत बड़े ये हो जाते हैं अगर इसको हम जमीन में लगाएं तो। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है, पूरे गार्डन में फैल जाती है। तो शाम के टाइम में इसमें जो फूल है खिलते हैं, लेकिन जो नीचे मेरी फ्रेंड के पास फूल खिल रहे हैं वो दिन में ही खिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है थोड़ा अलग सा है पंजाब से। हमेशा ठंडा रहता है, गर्मी बहुत रेयर ही होती है, तो इसीलिए शायद जो टाइम है वो आगे पीछे है। तो अभी मैं नीचे गई थी थोड़ा टाइम पहले, तो भी मैंने देखे थे कि उसमें फूल काफी ज्यादा खिल रहे थे। तो ये काफी खुशबूदार पौधा है, तो सीड से बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। अभी भी मेरे पास इसके काफी सारे सीड्स पड़े हुए हैं और काफी सारे मैंने लगा भी लिए हैं, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है क्योंकि इस पे सीड्स बहुत ज्यादा लगते हैं और छोटे छोटे से होते हैं, जैसे पिटोनिया के सीड्स होते हैं। तो उसी को ऐसे आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है उनको ग्रो करना, काफी इजी टू ग्रो होते हैं। और समर में ही ये प्लांट ग्रो होता है, विंटर्स में ये प्लांट बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। तो उसके बाद अगर तो आपने ग्राउंड में लगाया हुआ है तो अपने आप निकल आता है, नहीं तो अगर आप किसी पॉट में लगा रहे हो तो लकली निकल आए तो निकल आए, नहीं तो फिर इसको फिर से रीग्रो करना पड़ता है। तो इसका नाम है इवनिंग प्राइम रोज, क्योंकि ये शाम को खिलते हैं इस वजह से। तो येलो कलर के इस पे बहुत सारे खूबसूरत फूल आते हैं, और काफी सारी वीडियोस मैंने शेयर भी की हुई है चैनल पे, सारी चैनल पे, दूसरे चैनल पे भी। और अभी तक कि मेरे पास इसका कोई भी फूल नहीं निकला है, क्योंकि पॉट शायद छोटा है या फिर मैंने इसको लगाया लेट है, क्योंकि जो मैंने अपनी फ्रेंड को दिए थे वो पहले के हैं और ये मैंने पंजाब से वापस आने के बाद मैंने इनको ग्रो किया था। अब तक ये काफी बड़े हो जाने थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया किसी कीड़े ने इसको खा लिया था पत्तों को, तो उस वजह से अभी तक ये इतने ही हैं। लेकिन फिर भी इनकी जो ग्रोथ है काफी अच्छी है और नीचे से ये काफी हेल्दी है। तो अभी मैं देखती हूँ, आज नहीं तो कल पक्का इनको मैं दूसरी जगह पे लगा के आऊंगी, क्योंकि पॉट भी मेरे पास है नहीं है। तो ऊपर दो तीन प्लांट मैंने लगा दिए हैं टंकी में, तो पता नहीं अभी उसमें चलेंगे या नहीं, क्योंकि बारिश जो है बहुत होती है और ऊपर उसमें मिट्टी भी काफी कम है, तो बिल्कुल पॉट में के जितनी मिट्टी है। बाकी पता नहीं अभी कैसे क्या होगा। तो आगे ठंड का मौसम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तो वैसे ही जो इस तरह के प्लांट्स हैं धीरे धीरे फूल देना बहुत कम कर देते हैं। तो बाकी देखते हैं कैसा है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।